झी 24 तास एक पाऊल पुढे। भारनियमनाची वेळ बदलण्यात यावी या मागणीसाठी मुंबईतील रहिवाशांचं आंदोलन तीव्र करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी कौसा येथील महावितरणच्या कार्यालयात घुसून स्वतःचेच कपडे काढले, तसंच अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला। या आंदोलनादरम्यान काही काळ रास्ता रोको सुद्धा करण्यात आला, त्यामुळे वाहतूक कोंडीही झाली होती। पोलिसांनी पुन्हा राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना अटक केली आहे, तर या संदर्भात 2 दिवसांमध्ये निर्णय देण्यात येईल असं आश्वासन महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेलं आहे। वो टाइम पे जब लेडीज लोग के घर में खाना पकाने का टाइम, मुमरा में पानी का समय होता है, उसी टाइम पे लोगों का पढ़ाई, इस टाइम पे आपको पता है सेट का एग्जाम चल रहा है, सबके सेट की बच्चों की तैयारी चल रही है, 12वीं 12वीं का एग्जाम चल रहा है, लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे टाइम पे ये लोग लोड शेडिंग करते हैं। 3 दिन से अचानक बिना बोले लोड शेडिंग 8.5 घंटा कर दिया गया, और मुमरा में रात को लोड शेडिंग होता है जो ब्लैकआउट कर दिया गया। मुमरा पूरा ब्लैकआउट, क्राइम बढ़ रहा है, लोगों की चोरी हो रही है, टोटल मुमरा का सब पूरा ब्लैकआउट रहता है, इससे कई अपराध हो रहे हैं। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।